पर मौसमी के साथ चलते हैं, आप बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मौसमी जल्दी से दिखाइए, वहां पर खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भरतनाट्यम होता है कर्नाटक में, ढोलू कडुतु वहां का एक लोकल डांस है जो बहुत हाई एनर्जी के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डीके या सिद्धारमैया, थोड़ा अंदर की भी बात बताइए, इस बात को लेकर क्या कोई चर्चा है पहले से, क्योंकि पार्टी के इन दो नेताओं के चेहरे टी शर्ट पर तो नहीं दिख रहे। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ पत्रकारों से मिले थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से ये लग रहा था कि वो आश्वस्त हैं कि आंकड़ा जो है मेजॉरिटी के पार जाएगा, पर मेजॉरिटी मार्क के पार जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी संकेत नहीं दिए कि सिद्धारमैया है, डीके शिवकुमार है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस पर भी उन्होंने टाल मटोल कर दिया, ना नहीं कहा। तो देखिए कांग्रेस ने अपने पत्ते जो है बहुत करीब रखे हुए हैं और खोल ले रही है, पर आप 107 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड में लौट रही है। 108 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, बात पूरी कीजिए। 213 सीटों के रुझान आ गए हैं, अब 224 में से सिर्फ बचे हैं 7, 4, 11 सीट जिनके रुझान आने बाकी है। जल्दी से मौसमी अपनी बात पूरी कीजिए, 108 सीटों पर कांग्रेस आगे है, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल अंजना, देखिए मैं कह रही थी कि आप अंजना हैं और अंजनेया पर किस तरह से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंगबली पर ताला लगेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका पलटवार करके कहा था कि जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। और यहाँ पे बजरंगबली के सहारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में रब दिख रहा है, तुझमें रब दिखता है, ये लिख के, ये पोस्टर लेके पीछे मोहब्बत की दुकान इस तरह से फूल सिंह लगाए हुए है, और तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की है और उसके साथ सिर्फ डीके शिवकुमार की है। तो जो बात आप कह रही थी कि घमासान कांग्रेस के लिए अभी भी तेज होगा, एक तरफ राजस्थान की उलझन पिछले 4 साल से सुलझ नहीं पाई, तो क्या कर्नाटक राजस्थान ना बन जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी खड़गे साहब के लिए, और इसीलिए वो वहीं पे है कर्नाटक में। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बजरंग बली की शरण में कांग्रेस कार्यकर्ता यज्ञ कर रहे हैं, दुबकी बंधी हुई है। फूल सिंह जी, सुबह 6 बजे से कितने आंकड़े? ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ मौसमी, और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। सुबह के 9 बज जाएंगे अब से 3 मिनट के बाद, और बीते 1 घंटे के अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 224 में से 214 के 10 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं किस तरह से डांस करते हुए, खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और यकीनन 109 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच भी गई है। 113 का जादुई आंकड़ा चाहिए उसको सरकार बनाने के लिए, और ऐसा लग रहा है 224 का जब पूरा आंकड़ा सामने आएगा तो कांग्रेस पार्टी आराम से जादुई आंकड़े को टच कर जाएगी। 108 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर पहुंच चुकी है, बीजेपी काफी ज्यादा पीछे रह गई है, बीजेपी 83 सीटों के साथ, हालांकि 1 घंटे की ये रुझान है। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, 80 साल के बुजुर्ग नेता, कर्नाटक से आते हैं, जब से इनको अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया कर्नाटक कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति अलग अलग राज्यों में नहीं बनी थी, लेकिन बड़ा ये राज्य कर्नाटका का जहां से ये खुद आते हैं, उनका गृह राज्य है, वहां पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसी बदजुबानी भी उनकी ओर से कही गई थी, जहर बुझे तीर छोड़े गए थे, जिसको लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर रही थी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो जादू था, और मैं धरती पुत्र हूं कर्नाटका का, वो यहां पर दांव चल गया है 109 सीटों के साथ, और बस 113 के बेहद करीब कांग्रेस पार्टी यहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, हालांकि बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि खड़गे साहब के जो बेटे चुनावी मैदान में है वो अभी पीछे चल रहे हैं, उनको लेकर जानकारी यही सामने आई है कि वो अपनी सीट से अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये एक अच्छी स्थिति, क्योंकि हमने देखा गुजरात में किस तरह से स्वीप कर ले जाती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर अब कर्नाटका के लिए कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी और बेहतरीन खबर सामने आई है। 214 के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 109 के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे अभी से जश्न मनाते हुए, और अब सिर्फ 3 सीटें और चाहिए कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए, सिर्फ 3 सीटें और चाहिए। जादुई आंकड़ा 113 का है, और आपको बताते चले कि 2018 में इसी कांग्रेस पार्टी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2013 की बात करें 122 सीटों पर इसको जीत मिली थी। लेकिन यहां पर जादुई आंकड़े से महज 3 सीटें पीछे यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी सत्ता के करीब पहुंचती हुई। रुझानों में कर्नाटक के कई मंत्री भी पीछे चल रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम के लिए बुरी खबर आती हुई, मंत्री सोमशेखर सुधाकर, सीसी पाटिल,
आप सोचिए कि ये तमाम मंत्री अगर पीछे चल रहे हैं, मंत्री एमटी नागराज पीछे चल रहे हैं, ये साफ संकेत है कि ये गुस्सा है, ये नाराजगी है उस सरकार के खिलाफ जिसकी वजह से लोग अपने मंत्रियों को भी हराने की ठानते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ये बताइए, देखिए रुझानों में मंत्री सीजी रवि भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन 111 के आंकड़े पर नंबर 3, 111 जोड़ लीजिए, किसके पक्ष में ये मामला जा रहा है साफ दिख रहा है। 82 पर अगर बीजेपी अटकती हुई दिखाई दे रही तो 111 सीट के साथ आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। सिर्फ 2 सीट की दूरी है जिसके बाद किसी HD कुमारस्वामी की जरूरत शायद कांग्रेस पार्टी को पड़े ही ना। पोस्टर्स अब भी मानते हैं कि इससे कहीं ज्यादा नंबर्स कांग्रेस पार्टी को आ सकता है। 215 सीटों के रुझान आए हैं 224 में से, जिससे 111 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। पिछली बार की परफॉर्मेंस से जबरदस्त उछाल और इसी के साथ एक साफ संकेत, अगर मंत्री ट्रेल कर रहे हैं, अगर मंत्री पीछे हैं कर्नाटक सरकार के, तो समझ लीजिए जनता ने सबक सिखाने की बात सोच ली है। ये भी आप सोचिए कि न सिर्फ सबक सिखाने की ठान ली है बल्कि इसी के साथ साथ 111 जो ये है कांग्रेस पार्टी का, ये बता रहा है कि जनता को अब स्पष्ट जनादेश चाहिए। उन्होंने पिछली बार का तमाशा देखा है कि कभी येदियुरप्पा स्वेयर इन करें, फिर उसके बाद से कांग्रेस और JDS की सरकार बने, फिर वापस बीजेपी और उसमें बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कर्नाटक की जनता अगर एक स्पष्ट जनादेश चाहती है तो वो अनिश्चितता से भी बाहर निकलना चाहते हैं। बी, मंत्रियों को हराना एक साफ संकेत है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है मौजूदा सरकार के खिलाफ। तीसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि लिंगायत बहुल सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। क्या जातीय समीकरणों को चीर कर कांग्रेस पार्टी ने इस बार एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया है, ये एक बहुत बड़ा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के काफी करीब है, 113 का आंकड़ा चाहिए, वो फिलहाल 111 पर है। रुझानों में कांग्रेस 110 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। 111 सीटों की अब तक के रुझान कांग्रेस के फेवर में है। बीजेपी 82 पर, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बहुत बड़ा गैप हो चला है। 215 के रुझान सामने आए हैं, 224 के अभी कुल सामने आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो तस्वीर बन रही है, कांग्रेस पार्टी को JDS की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस ऐसा लग रहा है 112 और अब महज एक सीट चाहिए, कांग्रेस को अब महज एक सीट चाहिए। आपको बताते चले 2018 में 80 सीटें जीती थी, 2013 में 122 सीटों के साथ कांग्रेस ने प्रचंड तरीके से सरकार बनाई, 2008 में 80 सीटें मिली थी तब बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 2004 में 65 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 1999 में 132 सीटें कांग्रेस को मिली थी और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कांग्रेस पार्टी 112 सीटों पर आगे चल रही है और अब सिर्फ एक सीट, यानी कि जैसे ही 224 के कुल आंकड़े सामने आएंगे कांग्रेस आराम से अपनी सरकार बनाती हुई कर्नाटका में नजर आएगी। और बहुमत मिल गया है, बड़ी खबर इस वक्त की यह है रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया है, कांग्रेस को 113 सीटों पर लीड मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा पीछे 80 सीटों के साथ, 216 के ही रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस भागती हुई 114 के साथ, बीजेपी 80 के साथ और यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए शानदार प्रदर्शन जिसकी उम्मीद उसके तमाम नेताओं की ओर से की गई थी। कांग्रेस 114 पर, भारतीय जनता पार्टी 80 पर, 216 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, DK शिव कुमार के लिए, राहुल गांधी के लिए, तमाम नेताओं के लिए ये कम से कम कर्नाटका से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। क्योंकि आपको बताते चलें, ये जो कर्नाटका है वो बहुत कुछ तय करने वाला है। दक्षिण का द्वार रहा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन फिलहाल अभी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। बीते एक घंटे के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से वहां पर जाकर प्रचार प्रसार भी किया।